जब से नोट बंद हुए हैं, जब से तो चूड़ी में ना तो कारोबार हो पा रहा है, कोई भी पूरे पूरे दिन बैठ रहे हैं, सुबह से शाम तक खाली हाथ जा रहे हैं, खाली हाथ ऐसे अलगल जा रहा है, और माँ बैंकों में लाइन लगाए या मतलब यहाँ पर काम कर रहे हैं। एटीएम और पेटीएम कौन चलाया, छोटा ग्राहक आता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं पूरी मार्केट में आपको क्रेडिट कार्ड की कोई मशीन मिलेगी, कोई पूरी मार्केट में ना एटीएम मिलेगा आपको, कोई मशीन मिली आपको पूरी मार्केट में अभी तक? मेन सीजन था लगन का, वो सीजन सारा ऑफ हो चुका है। कैशलेस इकोनॉमी प्रयास करने पर धीरे धीरे सने बढ़ सकती है, मगर कैशलेस इकोनॉमी 100% लागू नहीं हो पाएगी। नाइन्टी % प्रोडक्शन बंद हो चुका है फिरोजाबाद का, और जो भी प्रोडक्शन चल रहा है वो भी पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, 100% शट डाउन हो जाएगा फिरोजाबाद में। तकरीबन 2.5 लाख मजदूर इससे इफेक्टेड है। काम होता है तो करते हैं, नहीं तो जब से नोटबंदी का वो हुआ है तब से काम मिलना बंद हो गया है। ठेला चलाते हैं साहब, मजदूरी करते हैं, चूड़ी ले जाते हैं इधर से उधर, कुछ दिन बाद हम और भूखे मर उठेंगे, हम भीख मांगे तो नहीं मिलेगी, अभी काम को तो मैंने कर देती है साहब है नहीं, और जब बिल्कुल नहीं मिलेगा तो हम तो भीख मांगे वो नहीं मिलेगी हमें, तो मैंने कर देंगे तो अच्छे खासे हाथ पैर तुम्हारे चाहिए, तुम्हें भीख कैसे दे दें हम। हर आदमी परेशान हो गया, हम ही चाहते हैं हमारा काम सही चले और हम लोगों को पैसा टाइम से मिलता रहा है। किसी के घर में खाना बना, किसी के घर में नहीं बना, किसी की बहन बेटी की शादी रुकी हुई है, ये कटइयों से लेकर जोड़ाई तक लगाई तक हिल कारीगर बहुत परेशान है। सारे भुखमरी के कगार पे इस टाइम, बच्चे भूखे मर रहे हैं, बच्चे काम धंधे बंद हो गए हैं, कम से कम उभरने के लिए 1-1.5 साल लगेगी, इससे तो पहले हो ही नहीं पाएगा। मोदी जी का ये जो फैसला है ये पूरे तरीके से गलत है। वी आर कमिटेड टू मेक इन इंडिया। वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, वाह वाह।